ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के सदमे से लोग अभी उभरे ही नहीं थे कि ओडिशा में एक और रेल हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल ओडिशा के बारगढ़ जिले में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। हालांकि पूर्वी तटीय रेलवे ने बयान जारी किया है कि एक निजी सीमेंट फैक्ट्री द्वारा संचालित किए जा रहे मालगाड़ी के वैगन पटरी से उतरे हैं। यह हादसा फैक्ट्री परिसर के भीतर हुआ है। इस घटना में रेलवे की कोई भूमिका नहीं है। इधर रेलवे ने कहा कि जिस जगह हादसा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंजन वैगन ट्रेन ट्रैक आदि सभी कुछ निजी कंपनी द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। इधर आपको बता दें कि इस मालगाड़ी में चूना पत्थर लदा हुआ था और इसके 5 डिब्बे बरगढ़ में पटरी से उतर गए। हालांकि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी शुक्रवार शाम लगभग 7 बजे ओडिशा के बालासोर में बहानगा बाजार स्टेशन के निकट आपस में भिड़ गई थी। अधिकारियों ने कहा कि बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन 126 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी। इस हादसे की चपेट में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी आ गई थी। इस दुर्घटना में कम से कम 275 लोगों की मौत हो गई थी। আগরু ছিড়ি ছিল কি আজ ছিড়ি জনা পড়া নেটা হো জনা কানা পড়া ভারী জস্ট লেগে।